गरीब बहू के घास के घर आई अमीर सहेली। अरे गायत्री, क्या बात है, ऐसे रो क्यों रही है? देखना मलिका, मैंने अपनी डॉल का घर छत पर रख दिया था और एक बंदर आकर उसे तोड़ गया। मेरी माँ ने उस घर को पैसे जोड़कर मुझे दिलाया था। अरे नहीं, उस बंदर की तो मैं, वो बंदर कहाँ गया है? वो तो भाग गया। वैसे तू भी नई गुड़िया ले आई क्या? हाँ ले आई। देख, मैं तो तेरी गुड़िया के घर से खेलने आई थी, मगर चल हम किसी और चीज का घर बनाकर खेलते हैं। हाँ आ जा। दोनों बच्चियां अपनी गुड़िया हाथ में लेकर घूमने निकल गईं। वो बाहर गांव की कच्ची सड़कों, हरियाली और फूलों के बीच खेल रही थी कि तभी गायत्री को वहां घास दिखी। मलिका चल हम ये हरी हरी घास को लेकर चलते हैं, हम इससे घर पर जाकर खेलेंगे। अरे हाँ चल। दोनों सहेलियां अपने नन्हे नन्हे हाथों में थोड़ी थोड़ी घास दबा कर ले गईं और उसे जमीन पर बिछा कर खेलने लगी। अरे डॉली, तुम यहाँ सो जाओ, देखो तुम्हारा नरम नरम बिस्तर। चल यार, और घास लाकर बाकी की चीजें भी बनाएंगे। हाँ हाँ चल चल। दोनों सहेलियां ऐसे ही घास का खेल बनाकर खेलने लगी। मलिका रोजाना ही गायत्री के घर खेलने आया करती थी, हालांकि उनके घर के माहौल में जमीन और आसमान का अंतर था। एक गरीब थी तो दूसरी अमीर, लेकिन इन सब से कहीं ऊपर उन दोनों की दोस्ती थी, जिसके बीच अमीरी गरीबी की कोई दीवार नहीं थी। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीत गया और अब दोनों ही सहेलियां बड़ी हो चुकी थी। मलिका का पूरा परिवार गांव की तरक्की ना होने की वजह से शहर आ चुका था और गायत्री की एक गरीब परिवार में शादी हो चुकी थी। माँ जी, मैंने तिरपाल पर पीछे की तरफ पेंच लगा दिया है, अब वहां से हवा नहीं आएगी। बहुत अच्छे बहू। अरे क्या हो गया, किस सोच में गुम हो गई? कुछ नहीं माँ, वो मैं यही सोच रही थी कि साफ मौसम में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आंधी चलेगी और बारिशें होंगी तब हमारे इस तिरपाल के घर का क्या होगा? आप तो सालों से यहाँ रह रहे हो, तो शायद आपको अंदाजा होगा। नहीं बहू, तेरी शादी के दौरान बेटे के सर पर सहरा बंधाने और बारातियों को खाना खिलाने में हमारा सब कुछ चला गया। हमें हमारा किराए का कमरा छोड़ना पड़ा और यहाँ पर इन कुछ कच्ची पक्की दीवारों के नीचे छिपना पड़ा। क्या? मैं नहीं जानती हूँ कि उस मौसम में हमारा क्या होगा, बस सब भगवान भरोसे है। अपनी सास की बात सुनकर गायत्री को चिंता सी होने लगी। इसी तरह से कुछ दिन और बीते और अब मौसम बदलाव पर था। एक दिन गायत्री बैठी हुई अपनी सास के साथ मिलकर गेहूं छान रही थी कि तभी आसमान में जोरों की गरज हुई। हे भगवान, बस अपना रहम करना बहू, लगता है कि बारिश होने वाली है, जल्दी यहाँ से सारे गेहूं उठा ले वरना ये भीग जाएंगे। जी माँ। दोनों सास बहू तेजी से अपने गेहूं को समेटने लगी कि तभी जोर जोर से आंधी चलने लगी और बारिश भी शुरू हो गई। माँ जी जल्दी कीजिए वरना हमारी सारी मेहनत पर पानी। आ! वो अभी गेहूं को समेट ही रही थी कि तभी एक आंधी के तेज झोंके ने पूरे तिरपाल को उड़ा दिया। अरे नहीं बहू, ये गेहूं छोड़ो, नीचे लेट कर अपनी गर्दन पर हाथ रख ले, यहाँ अब बवंडर चलने वाला है। जी माँ। दोनों सास बहू जमीन पर ही लेट गईं और अपना बचाव करने लगी। आंधी में उनकी पूरी तिरपाल उड़ गई, उनके गेहूं भी इधर उधर बिखर गए और कुछ ही मिनटों के तूफान ने सभी तरफ तहलका मचा दिया। आंधी शांत हो जाने के बाद, माँ जी आप ठीक तो हो? हाँ तू तो ठीक है ना बहू? हाँ माँ। माँ जी हमारा सब कुछ खत्म हो गया, जरा देखिए हमारा घर उस तूफान में ही खत्म हो गया। रो मत बहू, इस स्थिति में ही तो हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, तो रो मत। तूफान शांत होते ही गायत्री के ससुर और पति भी घर की तरफ दौड़ते हुए आए। कहाँ कहाँ गया हमारा घर? बाबा सब कुछ खत्म हो गया। तुम रो मत गायत्री, तुम्हारा रोना मुझे अंदर से तोड़ रहा है। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? बहू एक बात मत भूल, जिनका कोई सहारा नहीं होता उन्हें भगवान संभालता है। जिंदगी में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, तो ये क्या चीज है, रात रात की बात ही तो है, किसी भी पेड़ के नीचे बिता देंगे,
मंजरी ने सभी को हिम्मत दी। फिर क्या था, पूरा परिवार बिना किसी सर पर साए के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, जहां उनके गांव की कुछ औरतें उन्हें देखकर बोली, अरे अरे देख तो ये मंजरी जी का परिवार है ना, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे क्या करेंगे, आंधी में इन बेचारों का बसेरा शायद उड़ गया होगा तो बेचारी अब यहाँ बैठी हुई है। अरे चुप कर, ये बेचारी नहीं है, जरा देख घर में दो दो मर्द हैं, लेकिन लानत है ऐसे बेटे और पति पर जो अपनी पत्नी को अच्छी जिंदगी ना दे सके। सही कहा, हाथ पांव सलामत हैं जब भी घर में चूड़ियां पहनकर बैठे रहते हैं। दोनों औरतें बेवजह उन्हें सुनाती हुई चली गई। उनकी बातें सुनकर सभी ने खून का सा घूट निकला और एक रात उस पेड़ के आंचल में ही बिता दी। अगली सुबह बारिश की वजह से गरीब बहू को जगह जगह हरी हरी घास लहलहाती हुई दिखाई दी। वाह प्रकृति कितनी खूबसूरत है, इस घास को देखकर तो मुझे बचपन के दिन याद आ रहे हैं, कैसे मैं और मलिका अपनी गुड़िया से घास का घर बनाकर घंटों घंटों खेलते थे। गायत्री घास को छूते हुए अपने बचपन के दिन याद करने लगी कि तभी उसके मन में एक आइडिया आया। अरे अगर मैं चाहूं तो। अरे हाँ, गायत्री ने अपना आइडिया अपने घर वालों को सुनाया। आइडिया तो बहुत अच्छा है गायत्री, घास बिल्कुल फ्री की चीज है तो हम इससे घर बना सकते हैं। बचपन में जो घर छोटा बनाया था आज मैं उसे बड़ा बनाकर देखूंगी। तो सभी अब देख क्या रहे हो, चलो हरी हरी घास लेने चलते हैं। मैं और बाबा थोड़ी जंगल से लकड़ियां ले आएंगे, इससे घर और भी मजबूत बनेगा। पूरे परिवार वालों ने वैसा ही किया। मंजरी और गायत्री हरी हरी घास ले आईं और दोनों बाप बेटे जंगल से लकड़ियां। उन्होंने उन सभी को जोड़कर बहुत ही ज्यादा सुंदर घास का मकान बनाना शुरू किया। बहू अब इस हिस्से पर घास चढ़ानी है क्या? जी माँ। पूरे परिवार ने मिलकर घास की एक बहुत ही प्यारी छोटी सी कुटिया बना ली, वो बहुत सुंदर लग रही थी। अरे अब काम तो पूरा हो गया है, तो अब आप क्या बनाने की सोच रहे हैं? गायत्री मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं इस घास और लकड़ी से ही फर्नीचर भी बना दूं, ये काम मजेदार है और इसी बहाने घर में कुछ सहूलियत का सामान भी हो जाएगा। आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगे कर लीजिए। निशांत ने अपने घर के लिए घास से ही फर्नीचर भी बनाया। उसने घास का बेड, घास का सोफा सेट, डाइनिंग टेबल वगैरह चीजें बनाई। अब उनका घर तो संवर चुका था, लेकिन अभी भी निशांत के हाथों में कोई रोजगार नहीं था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन अचानक ही मलिका गायत्री से मिलने उसके ससुराल आई। उस वक्त गायत्री और निशांत में लड़ाई हो रही थी। आप बीना, कोई काम आपको मिलता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि मोटी है क्या? मैं कितनी बार तुम्हें बताऊं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बस जाइए आप तो ऐसे ही। अरे अरे अरे, घर में सास ससुर की गैर मौजूदगी का फायदा उठा रहे हो। कौन बोला? अरे मलिका तू। अरे नहीं नहीं, गायत्री सब कुछ भूलकर मलिका के गले लग गई। कितने सालों बाद तुझे देखा, ऐसे लड़ क्यों रही है? कुछ नहीं तू बैठ। अरे जीजू भी आए, आप दोनों बैठिए। हम बैठने नहीं आए, बस मैं जरा जल्दी में हूँ, खड़े खड़े ही बात कर ले। वैसे ये बता, ये बचपन की गुड़िया वाले घर में तू कब से रह रही है? बस अभी एक महीने पहले ही बनाया है। क्या कहा साली जी, ये आपने बनाया है? ये सब कुछ घास का फर्नीचर, घर वगैरह सब आपने ही बनाया है क्या? जी जी जाजी, ये सब कुछ निशान जी की और मेरी मेहनत है। अरे वाह। अरे मल्लिका, अगर हमारी फैक्ट्री में ये फर्नीचर सेल करें तो कितना फायदा होगा। सही कहा जीजा जी, क्या आप हमारी फैक्ट्री के लिए भी ये फर्नीचर बनाएंगे? क्या, अरे क्यों नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात होगी मेरे लिए। तू तो आज मेरे घर देवी की तरह आई है, जानती है कोई रोजगार ना होने की वजह से ही हमारे बीच ये लड़ाई हो रही थी। क्या सच? अब तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी सहेली है ना। दोनों सहेलियों ने उस दिन बहुत बातें की। जब मलिका के पति के काम के बारे में मंजरी और मयंक को पता चला तो वो भी बहुत खुश हुए। अब निशांत गणेश की फैक्ट्री में घास का फर्नीचर बनाने का काम करता था। ये लो तुम्हारे 16,000 रुपए, अब जो भी ऑर्डर आएगा उसमें हमारा 50-50 का हिस्सा होगा, अब तो खुश हो? एक बड़े भाई की तरह आपने मेरी मदद की है, बहुत बहुत शुक्रिया। निशांत सारे पैसे ले जाकर गायत्री को दे देता है और वो लोग कुछ ही दिनों में अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाते हैं और उनका गायत्री ग्रास फर्नीचर दौड़ने लगता है। सब
खुशी खुशी रहने लगते हैं।